Hello everybody, आज हम डिस्कस करेंगे द ट्रू ब्यूटी बाय थॉमस करू. हाँ, ये जो नाम है CAREW, ये इसका प्रोनंसिएशन है करू. तो ये इनका जन्म, जैसा मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, 1595 में हुआ और डेथ जो हुई वो 1640 में हुई. ये एक कैवेलियर पोएट थे, और कैवेलियर पोएट्स का मतलब है जो चार्ल्स फर्स्ट, किंग चार्ल्स फर्स्ट को जिन्होंने सपोर्ट किया ड्यूरिंग इंग्लिश सिविल वॉर. 17th सेंचुरी की बात हो रही है और पोएट भी आप देख रहे हैं कि उसी सेंचुरी को बिलोंग कर रहा है. तो उनमें से ये एक थे और किंग चार्ल्स फर्स्ट पे सपोर्ट करते थे. और जहाँ तक इनकी पोएट्री का सवाल है, तो काफ़ी ल्यूसिड यानी कि एक क्लैरिटी इनकी पोएट्री में होती है. और ये कुछ पुराने पोएट्स, जो हम कहें बेन जॉनसन, जॉन डन, जो इनके पहले के पोएट थे, जो कि हम कहें एलिजाबेथन एज के पोएट थे, तो ये उनको फॉलो करते थे, उनको इमिटेट करते थे, उनको कॉपी करते थे इवन. और काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर रहा है, और पुराने वर्ड्स या चीज़ों को एक नए फॉर्म में ये प्रेजेंट करते थे. ये इनकी एक स्पेशलिटी थी. इमिटेशन तो करते थे, लेकिन उसको भी एक नया फॉर्म ये दे देते थे. क्लिशेस को इस तरह से प्रेजेंट करते थे जैसे कि वो बिल्कुल न्यू हो. बड़ा विटी इनका प्रेजेंटेशन होता था, और कंसीट्स वगैरह का ये काफ़ी यूज़ करते थे. कंसीट्स मतलब कंपैरिजन जो होते हैं, फैंसीफुल कंपैरिजन. तो ऐसे इमेजिनरी कंपैरिजन उनका ये काफ़ी यूज़ अपनी पोइट्री में करते थे. मेटाफर्स वगैरह का काफ़ी यूज़ करते थे. तो ये जो पोएम है, इस पोएम में भी हम देख रहे हैं कि मेटाफर का इसमें काफ़ी यूज़ किया हुआ है. और मेटाफर होता है एक, हम कहें कि डायरेक्ट जो कंपैरिजन है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कंपैरिजन. तो डायरेक्ट कंपैरिजन का इस पोएम में काफ़ी यूज़ हो रहा है. कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देख सकते हैं इस पोएम में. टेल यू, उसको रीड करते टाइम मैं आपको साथ में बताऊंगा कि क्या इसमें कंपैरिजन यूज़ किया गया है. तो लेट्स सी, ये जो पोएम है इसमें पोएट ट्रू ब्यूटी की बात कर रहे हैं कि वास्तव में ट्रू ब्यूटी क्या होती है और ट्रू ब्यूटी की क्या क्वालिटीज होती हैं. तो पोएट का यह कहना है कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो ट्रू ब्यूटी नहीं होती. फिजिकल अट्रैक्शन जो है, दैट्स नॉट ट्रू, और समय के साथ में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है. लेकिन जो ट्रू ब्यूटी है वो हमेशा लास्ट करती है, वो हमेशा बनी रहती है. तो जो दिल और दिमाग के हार्ट, हेड एंड हार्ट की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो ट्रू ब्यूटी होती है वास्तव में. और जो फिजिकल ब्यूटी है वो तो समय के साथ में डिके हो जाती है. तो ऐसा कुछ यहाँ पर पोएट ने बताने की कोशिश की है. तो पोएट का ये कहना है कि मैं फिजिकल ब्यूटी जो है उसको मैं बिल्कुल डिस्पाइज करता हूँ, उसको मैं हेट करता हूँ. और जो ट्रू ब्यूटी है यानी कि हेड एंड हार्ट की क्वालिटीज़ हैं, वही वास्तव में ट्रू ब्यूटी होती है और उसी को मैं सपोर्ट करता हूँ. तो ये कुछ यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है थॉमस करू के द्वारा. तो लेट्स सी कि कैसे ये बात बताई है. तो ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डॉथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स. तो अब पोएट यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से फिजिकल ब्यूटी जो है वो यूजलेस होती है. और यहाँ पूरा मेटाफोरिकल, हम कहें कि इस गोइंग ऑन दिस कंपैरिजन, ये जो है वो तीन चार लाइन में पूरा मेटाफोर का यूज करता हुआ चल रहे हैं. तो जैसे कहा है रोजी चीक, अब चीक को रोज से कंपेयर किया है, मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है ये. इसी तरह से कोरल लिप, लिप्स को कोरल से, अब कोरल क्या है, एक स्टोन होता है, एक तरह का जेम होता है, मूंगा जिसे हम कहते हैं. तो जो मूंगा जो होता है वो लाल रंग का होता है, तो इसलिए कोरल लिप्स यहाँ पर यूज किया गया है. तो ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप
admires, यानी कि ऐसा जो लवर, ऐसा लवर जो केवल फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल ब्यूटी के पीछे भागता हो, यानी कि जो हम कहें कि रोजी चीक्स ना, यानी उन गुलाबी चीक्स के पीछे या कोरल लिप्स, उन लाल लाल लिप्स के पीछे जो बिल्कुल मैड हो, क्रेजी हो, तो ऐसा जो लवर है और ऐसा जो लव है वो लास्ट नहीं कर सकता। वो ये कहता है कि ये सब यूजलेस है, तो फिजिकल ब्यूटी ये तो टेम्पररी होती है, ये तो एफिमेरल होती है, तो थोड़े समय के लिए अल्पकालिक होती है, तो ये इस तरह का जो लव है वो बिल्कुल भी लास्टिंग नहीं होता और लंबे समय तक वो नहीं चल सकता, बिल्कुल वर्थलेस है। और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डोथ सीक फ्यूल। अब स्टार लाइक आईज, तो यहाँ पर सिमिली का यूज हो रहा है, यानी कि स्टार से कंपेयर किया और वो भी लाइक का यूज करते हुए। तो जब लाइक या एज का यूज करते हुए हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं जो कि अनलाइक हो या डिफरेंट हो, तो उसे हम सिमिली कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। तो ये भी लेटर लाइन में फायर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, पैशन ना, तो उनको यहाँ पर लिखा है फायर। और जस्ट पोएट ये कहना चाह रहा है कि जो उन स्टार लाइक, उन तारों की तरह, स्टार की तरह जो आंखें हैं उनको देख करके, जिसकी जो भावनाएं हैं, जिसके जो इमोशंस हैं, जिसकी जो फीलिंग्स हैं, पैशंस हैं, वो बिल्कुल वी कैन से ऑन द गो, यानी कि एक स्पर्ट ऑफ फीलिंग जैसे उसके अंदर उमड़ पड़ता हो, वो भावनाएं जो हैं वो उद्वेलित हो जाती हों, तो ऐसा जो पोएट है, ऐसा जो लव है वो यूजलेस है, वो वर्थलेस है, जो केवल इन फिजिकल एस्पेक्ट्स पर बेस्ड हो, वो प्यार बिल्कुल बेकार है, उसका कोई यूज नहीं होता। सो द पोएट सेज एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। दैट मीन्स, तो जिस तरह से ओल्ड टाइम, अब यहाँ टाइम को पर्सोनिफाई किया हुआ है, और पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग है, जो भी इनएनिमेट आइडिया है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको इस तरह से प्रेजेंट करना जैसे कि वो लिविंग हो, यानी कि उसको क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो क्वालिटीज दे देना, ह्यूमनली क्वालिटीज दे देना, उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ टाइम में टी कैपिटल लिखा हुआ है और इसे कहा ओल्ड टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से टाइम के गुजरने के साथ साथ जो फिजिकल ब्यूटी है वो भी डिके हो जाती है, वो डिटीरियोरेट हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, तो उसके साथ में ही वो जो फ्लेम्स, यानी कि वो जो पैशन, वो जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, जो कि उस फिजिकल ब्यूटी की वजह से था, यानी कि वो जो लव है जो उस फिजिकल ब्यूटी पर बेस्ड था, फिजिकल अट्रैक्शंस पर बेस्ड था, वो लव भी धीरे धीरे फिर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसा पोएट यहाँ पर कहना चाह रहा है दैट ऑल टाइम्स, एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दीज डिके, तो मतलब टाइम के साथ में सब डिके हो जाता है, सब वेस्ट हो जाता है, सब चला जाता है, समाप्त हो जाता है, उसी तरह से फ्लेम्स जो हैं, यानी कि जो पैशन इमोशंस जो हैं, वो भी वेस्ट हो जाते हैं, यानी कि वो जो लव है, जो फीलिंग्स ऑफ लव है, वो जो इमोशंस हैं, वो भी उसके साथ में समाप्त हो जाते हैं, यानी कि ये लंबे समय तक ये प्यार, इस तरह का जो लव है, दैट डजंट गो, ये चलता नहीं है। अब सेकंड स्टैंजा जो है केवल एक दो स्टैंजा की पोएम है, एक लिरिक है एक्चुअल में, अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो ये एक लिरिक है, और करू जो है वो अपने लिरिक्स के लिए ही जाने जाते हैं स्पेशली, और अपनी लव पोएम्स पर के लिए जाने जाते हैं। एक इमेजिनरी लेडी हम कहें सीलिया को एड्रेस करते हुए, सी ई एल आई ए, सीलिया को एड्रेस करते हुए उन्होंने
अपनी अधिकतर पोएम्स लिखी हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वही लव पोएम ही है, ये एक लव लिरिक है, और किस तरह से वो जो फिजिकल अट्रैक्शन की बात बता रहे हैं कि वो यूजलेस होता है, ट्रू ब्यूटी से हम नहीं कह सकते हैं। तो बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, अब सेकेंड स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाह रहा है, बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड किंडल नेवर डाइंग फायर्स। मतलब बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, तो पोएट का कहने का मतलब ये है कि लेकिन अगर माइंड जो है स्टेबल हो, स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, यानी कि यहां पर अब बात हो रही है क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, दिल और दिमाग की जो क्वालिटीज है उनकी बात हो रही है। तो अगर ऐसा स्टेडफास्ट माइंड हो, स्टेडी हो, कूल हो, कंपोज्ड हो, तो ऐसा जो माइंड है, जेंटल थॉट्स, जिनके थॉट्स जो है वो जेंटल हो, जेंटलमैनली हो, गुड हो, और व्हाट काम डिजायर्स, जिनकी डिजायर्स यानी इच्छाएं जो हैं वो भी कैसी हो, कूल एंड काम, यानी कि जो ऐसा केवल फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर के जो डिसीजन लेने वाले नहीं हो, जिनका प्यार जो है वो मोमेंट्री नहीं हो, क्षणिक नहीं हो, जो केवल the क्वालिटीज ऑफ और द थिंग्स ऑफ फिजिकैलिटी उन पर केवल जिनका प्यार टिका हुआ नहीं हो, तो वे लोग जो हैं दे दैट लव लास्ट फॉर लॉन्ग, यानी कि वो जो प्यार है वो लंबे समय तक चलता है, यानी कि वो एक तरह से हम कहें कि परमानेंट होता है। तो ऐसा पोएट यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी कैसे हार्ट्स जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, तो जो जिनके विचार जो हैं वो शुद्ध हो, अच्छे हो, जेंटल थॉट्स हो, जो मतलब कैसे हो, जेंटल पर्संस हो, और जिनकी डिजायर्स इच्छाएं जो हैं वो नॉट मूव्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशंस और पैशंस और फीलिंग्स, हार्ट्स विद इक्वल लव, जिनके हृदय में प्यार हो ना, केवल ऐसा नहीं कि ओनली सुपरफिशियल वो लव हो, बस थोड़े समय का हो, तो ऐसा नहीं, जिनके हृदय में प्यार हो, तो ऐसा जब प्यार होता है तो दे किंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो वो जो भावनाएं हैं, वो जो फीलिंग्स हैं, दे किंडल नेवर डाइंग फायर्स, यानी कि उनसे जो प्यार उत्पन्न होता है वो नेवर डाइंग होता है, वो नॉन स्टॉपिंग होता है, वो सीजलेस होता है, यानी वो प्यार जो है वो कभी मिटता या डिके या डिजेनरेट नहीं होता है, ऐसा पोएट यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। एंड वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आईज, तो जहां ये ना हो, वेयर दीज आर नॉट, यानी जहां ये क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट ना हो, जहां ये ट्रू ब्यूटी ना हो, तो वहां आई हेट, आई डिस्पाइज, मतलब मुझे नफरत है, मैं नफरत में घृणा करता हूं, फिर वहां पर इन फिजिकल एट्रीब्यूट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इन फिजिकल क्वालिटीज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो फिजिकल वर्चूज या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कॉर्पोरल जो शारीरिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका कोई इम्पोर्टेंस वहां पर नहीं है, चाहे वो लिप्स कॉरल लिप्स हो, चाहे वो ब्यूटी जो है रोजी चीक्स वाली हो, चाहे स्टार लाइक आईज हो, चाहे कुछ भी हो, बट वहाँ फिर जहाँ पर हेड एंड हार्ट की क्वालिटीज ना हो, जहाँ हार्ट्स जो है वो इक्वल लव से भरे हुए या फिल्ड नहीं हो, वहाँ पर इन सारी चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ऐसा टॉमस कैरू जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं अबाउट ट्रू लव, दैट व्हाट इज ट्रू ब्यूटी, व्हाट इज ट्रू लव, तो इस तरह से उन्होंने अपने, तो बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट पोएम है, केवल दो स्टैंजा की पोएम है, मेटाफर्स का यूज ज्यादा हुआ है, एक आध सिमिली के एग्जांपल, स्टार लाइक आईज जो है वो सिमिली का एग्जांपल है,
लुसिडिटी इनकी पोएम यानी कि क्लैरिटी इनकी पोएम की विशेषता है। बड़े क्लियर मैनर में लिखते हैं जो इजीली अंडरस्टूड होती है। लव पोएम्स इन्होंने जनरली लिखी है और एक इमेजिनरी लेडी सीलिया को एड्रेस करते हैं अधिकतर पोएम्स इनकी हैं। और जॉन डन और बेन जॉनसन के ये बहुत फॉलो मतलब एक फैन थे, फॉलोअर थे, उनको इमिटेट करते हुए उन्होंने कई सारी पोएम्स लिखी, उन पर भी कुछ पोएम्स इन्होंने लिखी। तो दैट इज द होल थिंग अबाउट दिस ट्रू ब्यूटी। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरह से मैं और पोएम्स वगैरह लेकर के मैं आपके लिए आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।